काम। अरे मिलल ना भाई हो कतहिनु फका, आ तले धारा वही में हाथ से छूट गईल। अब मचाची के दो डोली लेके आजा। कभी ट्रेलर आया है, काफी प्यारा है, और उसमें मेरा एक डायलॉग था कि मैं एक गाना गाता हूँ सैड सॉन्ग, तो उसके बाद नीरव सर पूछते हैं, वो मेरे चाचा बने रहते हैं, तो वो पूछते हैं, अरे ते बार बार सैड सॉन्ग काहे गावे ले? तो मैं बोलता हूँ कि अरे चाचू, तहार दशा देख के तो हमरा के यही लगा था ना कि तारो के बहुत जल्दी सैड सॉन्ग गावे के पड़ी। भोजपुरी जगत की दुनिया की अगर बात कर लिया जाए तो लोग कहते हैं ना कि देखन में छोट लगे घाव करे गंभीर, आर्यन बाबू ने करके दिखा दिया है। अब तक भोजपुरी का पहला एक मिसाल है आर्यन बाबू कि सबके साथ, जितने अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत स्टार हैं, स्टारों के साथ काम कर चुके हैं, और पहले ऐसे कलाकार हैं आर्यन बाबू, और पहले कि जो लोग कहते हैं कि बिन सीखे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक गॉड गिफ्ट माना जाएगा। मैंने कल पोस्ट इनका देखा, रहा नहीं गया, बड़ा मार्मिक था, जिसे दर्शाया था अवधेश मिश्रा जी ने। आप भी जानते हैं अवधेश मिश्रा जी पहचान के मोहताज नहीं है, और इनके लिए एक मतलब अनंत दिल के अनंत गहराइयों से निकाला था कि हम लोग फिल्म में ही रोल नहीं, वाकई में एक नातरी और जो दादा का रोल होता है हम लोग वाकई निभाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, आज हमारे बीच में हैं आर्यन बाबू, और आर्यन हीरो कह लें, आर्यन एक्टर कह लें, क्या कहें आर्यन? सबसे पहले जितने भी लोग जो एक्सप्रेस के इस चैनल को देख रहे हैं, तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी इस चैनल को लाइक करिए और अपना ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए। हमारी दूसरी मुलाकात है आर्यन से। हाँ। मुलाकात तो ऐसे बात तो हमेशा हो रहती है, फोन से होती रहती है, क्या आर्यन बाबू? हाँ। कल आर्यन बाबू बहुत बड़ा हो जाएगा। अरे ऐसी बात नहीं, बस आप लोग का आशीर्वाद। तो आर्यन बाबू बड़ा हो जाएगा तो इसका भी मूड बनने में टाइम लगेगा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं कहो कि आए मैं आर्यन हूँ आड़ में रहो। नहीं 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 ऐसा कुछ। चलिए, ये सब संस्कार है, माँ बाप का यही संस्कार झलकता है आर्यन बाबू में, झलक रहा है। उम्र तो बहुत कम है, लेकिन संस्कार सत्कार जिस तरह से मिले हैं, माँ बाप को भी धन्यवाद है। अगर देखा जाए आर्यन, शुरुआत करते हैं हम लोग एल्बम से, छठ का माहौल चल रहा है, छठ में सबसे बढ़िया एल्बम कौन सा आप गाए हैं? अभी हम लोग का एक गाना आया है फटाफट वायरल भोजपुरी से, जो छठ का है, और वो फनी टाइप का सॉन्ग है, और छठ का एक और गाना आने वाला है बहुत जल्द फटाफट वायरल भोजपुरी से, तो वो जब आएगा तो आप सभी उसे ढेर सारा प्यार दे। बड़े बड़े कंपनियों से लेके वेब से लेके तमाम कंपनियों में आप जा चुके हैं, जहाँ लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं वहाँ आपके लिए लोग साइन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, ऐसी क्या है, क्या है? बस जितने भी लोग देख रहे हैं उन सभी का प्यार दुलार है, और ऐसे ही प्यार दुलार देते रहिए, तो और भी कई सारे प्रोजेक्ट आएंगे, और जो मेरा भी छठ का सॉन्ग आया उसे मैं आप सभी को सुनाना चाहूंगा। और घाटे पर ही हम छोड़ा तो पड़ा काम, और मिलल न भाई हो कतहिनु फका, आ तले धारा वही में हाथ से छूट गईल। अब मचाची के दौरा में फूट गईल, बमचाची के दौरा में फूट गईल। मेरा जो सॉन्ग था जो फटाफट वायरल भोजपुरी से आया था, तो आप सभी जाइए और इसे देखिए और अपना ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए। छठ का मौसम चल रहा है, छठ आने वाला है, छठ में इन्होंने बड़ा अद्भुत, अच्छा जो देखा जाए तो छठ का पर्व एक अलग है, बहुत अच्छा है कि नहीं? सबसे अलग पर्व है छठ में, और अब फिल्मों में अगर देखा जाए, हमें नहीं लगता है कि इस उम्र में इतने फिल्मों में कोई कार्य कर चुका होगा, कभी परिकल्पना नहीं कर किया होगा, कार्य करना तो बहुत बड़ी बात है। कितने फिल्मों में काम कर चुके हैं? अभी तक मैं लगभग 15 फिल्मों में काम कर चुका हूं, आप सभी की प्यार दुलार और आशीर्वाद से। 15 फिल्मों में काम कर चुके, किसके किसके साथ काम कर चुके? जो मेरी पहली फिल्म थी वो खेसारी सर के साथ थी, जिसका भी ट्रेल, वो मूवी आ चुकी है, शादी हो तो ऐसी, जो हॉल में रिलीज हुई थी, तो आप सभी ने उसे काफी ज्यादा प्यार दुलार दिया। क्या रोल था, क्या रोल था उसमें मेरा? हमारे खेसारी सर में उनका भाई बना था। दूसरी फिल्म जो थी मेरी बेबसी, उसमें मैं पंकज सर का बेटा बना था। वो फिल्म भी आने वाली है, उसकी सारी चीज़ें रेडी हो चुकी है, डबिंग एडिटिंग सारी चीज़ें। और तीसरी जो फिल्म थी उसमें मैंने हीरो के छोटे का कैरेक्टर किया था, जो हमारी फिल्म थी जयशु शंभू, जो हमारे विनोद मिश्रा सर के साथ थी। चौथी फिल्म दुल्हा धीरे धीरे चल ससुरारी गलिया,
जो कल्लू सर के साथ थी उनमें मैं उनका साला बना था। और पांचवी फिल्म थी मेरी राजा डोली लेके आजा, जो आम्रपाली मैम और सब फिल्मों का मतलब याद है। हाँ। तेरी की जय रे। देखिए ये दैवीय शक्ति से कहा जाएगा, इसलिए कि कितना हूँ बड़ा आप किरदार निभा लीजिए, लेकिन लोग किरदार क्या निभाए हैं क्या कहें भूल गए, लेकिन को पूरा पता है कि मैं किसके साथ क्या था, ये भी अद्भुत है। अच्छा क्या एक्टिंग में क्या करना होता? मुझे जो भी हम लोग पांचवी फिल्म कर रहे थे उसमें मेरा बहुत मतलब, जो भी मेरी एक फिल्म आई है साजन जो आम्रपाली मैम और प्रवेश सर के साथ थी, तो मतलब एक नहीं होता है कि बच्चे शैतान टाइप के कि ऐसे ही चाचा चाची या मम्मी पापा में लड़ाई करवाने का थोड़ा अंदर से वो रहता है। तो वो राजा डोली लेके आ जा और साजन में मेरा उसी टाइप का कैरेक्टर है और काफी प्यारा कैरेक्टर है। मेरा एक डायलॉग था साजन फिल्म में, क्योंकि राजा डोली लेके आजा का भी ट्रेलर आया है, काफी प्यारा है, और उसमें मेरा एक डायलॉग था कि मैं एक गाना गाता हूँ सैड सॉन्ग, तो उसके बाद नीरव सर पूछते हैं, वो मेरे चाचा बने रहते हैं, तो वो पूछते हैं अरे ते बार बार सैड सॉन्ग काहे गावे ले, तो मैं बोलता हूँ कि अरे चाचू तहार दशा देख के तो हमरा के यही लगा था ना कि तारों के बहुत जल्दी सैड सॉन्ग गावे के पड़ी। क्योंकि जैसा उनके गर्लफ्रेंड रहती है और एक से शादी हुआ रहता है, तो जिनसे शादी हुआ रहता है वो मेरी चाची लगती हैं, और जिनसे उनका अफेयर होता है वो मेरी टीचर है, तो वो फिल्म काफी जल्द आएगी और बहुत अच्छी स्टोरी है उस फिल्म की। अपने टीचर के साथ ही करवा दिए। हाँ मतलब और काफी प्यारी फिल्म है वो, बहुत जल्द आएगी। और अभी हम लोग एक फिल्म शूट कर रहे थे दादू आई लव यू, जिसमें मैंने खुद लीड किया है और धीर सर के साथ, भोजपुरी के लेजेंड एक्टर कहे जाए कहते हैं उनको लोग, काफी अच्छा एक्टिंग कर मतलब एक्टिंग नहीं करते उस चीज को फील करते हैं वो। अनीता रावत मैम है, महेश आचार्य सर है उस फिल्म के डायरेक्टर, हमारे मधुसूदन सर असिस्टेंट डायरेक्टर में, हमारे सूरज अंकल थे, राम सर थे, अर्जुन सर थे, पूरन सर थे, और काफी अच्छी फिल्म थी वो। जिस तरह से मैंने देखा अवधेश मिश्रा का एक बड़ा मार्मिक दृश्य था, आप ऐसे लेटे हुए थे, एक लगता था कि वाकई जान डाल दिया गया उस तस्वीर में, मैं देखा तो लगा कि यार आर्यन बाबू का ये जान डाला हुआ है, गजब था। वो जो हम लोग फिल्म कर रहे थे उसका जो फोटो पे अभी तक सबसे ज्यादा लाइक गया, मतलब दो दिन में 35 के लाइक हो गया है, और बहुत अच्छा उसका शेयर भी जा रहा है, कमेंट भी 600 प्लस लोगों ने किया है, और काफी अच्छी वो हम लोग की फिल्म बनी है जो भेड़ा घाट में शूट हुई थी, और बहुत जल्द आप सभी के बीच, हो सकता है दिसंबर में आप सभी के बीच आ जाए, और उसका सारी चीज शुरू हो गई है, बैकग्राउंड का म्यूजिक एडिटिंग भी शुरू हो चुकी है, और हम लोग बहुत जल्द जाके उसका डबिंग भी करने वाले हैं। अगर देखा जा रहे हैं बाबू फिल्मों से लेकर एक गीत संगीत से आपका जुड़ाव रहा बहुत, काफी लोग कहते हैं, मैं नहीं बता पाऊंगा शायद, कि बिन सीखे बिन गुरु का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन जिस तरह से अवधेश जी के शब्दों के बयां कर रहे थे कि सरलता से किसी भी किरदार को अगर सरलता से निभा लेना बड़ी बात हो जाती है, आपने सीखा है कि नहीं सीखा है मैं नहीं जानता हूँ, आपको क्या लगता है? मुझे तो ऐसा लगता है आप लोग का प्यार दुलार है, और सीखने के लिए कभी गए आप कि मुझे किरदार करना है तो कैसे हमें करना होगा? होता है ना, मान लीजिए हमें माइक पकड़ना था तो मैं किसी से पूछा कि माइक पकड़ूंगा तो कैसे आर्यन से इंटरव्यू करूंगा, समझ रहे हैं बात को? आप भी कहीं जाते हैं सीखने के लिए कि ऑन द स्पॉट ऐसे ही कर लेते हैं? मैं तो ऑन द स्पॉट करता हूँ, और उस चीज़ को समझने के लिए पहले हम लोग का जो स्क्रिप्ट रहता है फिल्म का, तो उसे हम लोग पहले पढ़ते हैं, फिर उस करेक्टर में जाके हम लोग उतरते हैं, क्योंकि उस स्क्रिप्ट को अवधेश सर ने काफ़ी बार चेंज किया, अच्छा से उसको और बेहतर बनाया, और बहुत अच्छी फिल्म है वो, और काफ़ी मार्मिक फिल्म है, काफ़ी फनी भी फिल्म है, मतलब उसमें सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, और बहुत जल्द आएगी आप सभी के बीच वो फिल्म। उसमें क्या था थोड़ा सा कुछ याद है आपको? याद तो है, लेकिन अभी उस फिल्म का हम लोग पोस्ट बस शेयर कर सकते हैं, क्योंकि चलिए नहीं मैं कुछ कहना भी नहीं चाहूंगा, इस तरह से अगर देखा जाए तो कुछ कहना चाहूंगा। अगर देखा जाए, लास्ट सवाल आपसे मैं ये करूंगा कि आज भोजपुरी का ब्रांड चैनल हो या फिर भोजपुरी के ब्रांड स्टार हो, सबके साथ काम कर चुके हैं आप, तो आगे बस सिर्फ साथ में काम करेंगे या खुद में दिखाना है? अभी तो मैं काम कर रहा हूँ, मैं 8 साल का हूँ, और जब मैं 11 साल का हो जाऊंगा तब मैं बीच में अपनी लाइफ को 5 साल गैप दूंगा, उसके बीच में मैं सारी चीजें सीखूंगा, एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग, सारी डांस की चीजें, कराटा, जुम्बा,
ये सारी चीज़ें सीखेंगे हम लोग, एक्शन सीखेंगे, फाइट सीखेंगे। तो उसके बाद हमारी एक फिल्म आएगी बहुत प्यारी, उसके बाद डायरेक्ट हीरो लॉन्च होंगे। अरे वाह, मतलब रील से रियल हो जाएंगे। सीधी सी बात है, रील से रियल में दिखने लगेंगे। बस आप लोग का प्यार दुलार और आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। चलिए, बड़ा अच्छा लगा आर्यन के साथ मिलकर। और आर्यन की कहानी अगर देखा जाए तो ये हर एक बच्चों को इनसे सीख लेनी चाहिए। बच्चे को ही नहीं, अच्छे अच्छे लोग अपने आप को जो समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा कलाकार हूँ, तो कहीं ना कहीं कमियां सब में रह जाती है। तो उस कमियां को दूर करने के लिए ऐसे लोग मिसाल बनते हैं। हमारा वीडियो बनाने का ये तात्पर्य नहीं रहता है कि किसी को उतराव चढ़ाव करना, किसी का निंदा करना। बस उनसे क्या आपने सीख लिया है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनसे आज मैंने खुद कहा है कि मैं कभी नहीं सोच सकता था कि ऐसा बच्चा, हम लोग भी बच्चे थे लेकिन कभी सोच नहीं सकते थे कि बोलना कि बोला कैसे जाता है किसी के सामने, डर लगता था। और एक किरदार निभाना तो अपने आप में अहम है, जिस तरह से आप निभा रहे हैं। बस ऐसे ही आप लोग का प्यार आशीर्वाद बना रहे, और आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और खूब दबा के शेयर करिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए वीडियो के साथ। मैं था आर्यन बाबू के साथ और ये देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। धन्यवाद।